वर्ग नवम के लिए संस्कृत कक्षा में मैं बच्चन कुमार झा, नवम वर्ग के छात्र जब सेमुसी खरीदें तो उसमें ये देख लें कि गोदोहनम पाठ इसमें है कि नहीं। नया संस्करण है ये, इसमें तीसरा पाठ गोदोहनम अगर है ये बुक इस बार चलेगी। वैसे सभी पाठ वैसे ही, एक नया पाठ इसमें जोड़ दिया गया है, इसको देखकर हम बुक खरीदें। गोदोहनम, आज मैंने पुनरावृत्ति में स्वर्ण काका पढ़ाया था क्लास में, इसलिए मैं फिर इसे पढ़ा करके ऑनलाइन भेज रहा हूं। पूरा कस्मिंश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। तस चो एका दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत। उसकी एक बहुत विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्वस्थल्याम तंडुलांग निक्षिप पुत्री में आदिदेश। एक बार माँ ने थाली में चावल को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, सूर्य के धूप में चावलों से को पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतर कुछ समय बाद एको विचित्रा काका, एक विचित्र कौवा समुद्री उड़कर तस्या समीपम अगच्छत, उसके समीप आया। एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आया। नेतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंतु स्वर्ण काकस तया पूर्वम दृष्टम। ऐसा सोने के पंख और चांदी के चोंच वाले कौवा को पहला नहीं देखा गया। स तंडुलान खादंतम तंग तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरभत, बालिका रोना आरंभ कर दी। तंग निवारियन तुम सा प्रार्थियत, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, तंडुलान मां भक्षय चावल को मत खाओ। मदिया माता अतीब निर्धना वर्तते, मेरी मां बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवा, सोने के पंख वाला कौवा ने कहा, मां सुचह दुखी मत हो, सूर्योदयात प्राक ग्रामात बही पिपल वृक्ष अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। आम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि नो लेभे, खुशी से लड़की को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय के पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्ष ऊपर देखकर सा चौ आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, जहां तहां सोने का महल है। यदा काका सैत्या प्रबुद्ध, जब कौवा सोकर जगा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षेन कथितम, सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले तुम आ गता, हे लड़की तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, आम त्वत्कृते सोपानम अवतारयमी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ, तो कहो सोने का चांदी का या तांबा का। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब मां की बेटी हूं। ताम्र सोपाने एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से मैं आ जाऊंगे। पर्ण स्वर्ण सोपानी ने सास स्वर्ण भवनम आरोह, लेकिन उसने सोने की सीढ़ी से ही स्वर्ण भवन में प्रवेश किया। चिरकाल भवने चित्र विचित्राणी सजितानी दृष्ट्वा वस्तुनी दृष्ट्वा, बहुत समय तक भवन में रंग बिरंगे वस्तुओं से सजे हुए देखकर सा विस्मय अंगता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता तंग विलोक्य काका अवदत, थके हुए उसको देखकर कौवा ने कहा, पूर्व लघु प्रातराशम क्रियताम, पहले लघु छोटा नाश्ता करो। बद तुम त्वनस्थल्यम भोजनम करिष्यसि वह रजत स्थल्यम, सोने के थाली में भोजन करोगे या चांदी के थाली में, उत ताम्र स्थल्यम या तांबे के थाली में। बालिका बदत, लड़की बोली, ताम्र स्थल्याम एव अहम दीर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे के थाली में मैं भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काके स्वर्ण स्थल्यम भोजनम परिवेशितम,
जब सोने के कौवा ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। नो एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, लड़की ने ऐसा भोजन आज तक नहीं खाया था। काको वदत, कौवा बोला, बालिके आम इच्छामि, मैं चाहता हूं यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं ठहरो। परम तब माता तू एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माँ तो अकेली है। अतः त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तो शीघ्र ही अपने घर जाओ। इसके बाद फिर दूसरी कक्षा में इसका